आप सभी का हेल्दी व्रत रेसिपीज एपिसोड 2 में स्वागत है। नवरात्रि में माँ के विभिन्न रूपों की पूजा हो और नारियल की कोई मिठाई ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम बनाएंगे मिठाई, लेकिन आप ये ना सोचें कि मिठाई तो अनहेल्दी होती है, क्योंकि मिठाई को भी हेल्दी बनाया जा सकता है। तो हम बना रहे हैं नारियल की बहुत ही यमी मिठाई बिना चीनी के। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में लेंगे 2 चम्मच घी और इसमें डालेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। आप डेसिकेटेड कोकोनट की जगह फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं। तो नारियल को ग्रेट कर लें और इसमें डाल लें। फिर मीडियम फ्लेम पर कोकोनट को लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक भून लें। कोकोनट को लगातार चलाते हुए भूनना है हमें, बस कोकोनट को हल्का सा रोस्ट करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो कोकोनट रोस्ट हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम गुड़। तो 1/2 कप हम गुड़ मिला रहे हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो 3/4 कप तक गुड़ इसमें मिला सकते हैं। गुड़ को ग्राइंड करके भी इसमें मिलाया जा सकता है, और अगर गुड़ सॉफ्ट है तो गुड़ को डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर गुड़ बहुत हार्ड है तो गुड़ को पहले अलग से मेल्ट करें और फिर कोकोनट में मिलाएं। तो गुड़ को कोकोनट के साथ में मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें 2 चम्मच दूध भी मिला लेंगे। दूध मिलाने से क्या होगा कि कोकोनट सॉफ्ट बना रहेगा। अब इसको मीडियम लो फ्लेम पर कोकोनट और गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो गुड़ और कोकोनट अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लंबाई में काट करके। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें मिला सकते हैं। मैं यहाँ पर बादाम डाल रही हूँ लंबाई में काट करके। बादाम डाल करके भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। तो मिक्सचर अच्छा गाढ़ा हो गया है, इसकी बर्फी जमाई जा सकती है। तो जिस कंटेनर में बर्फी जमानी है उस कंटेनर में पार्चमेंट पेपर लगा लें या फिर घी लगा करके कंटेनर को चिकना कर लें। फिर इस मिक्सचर को कंटेनर में डालेंगे और अच्छे से फैला लेंगे। अब इस मिक्सचर को थोड़ा सेट होने के लिए रख देते हैं, और 2-3 घंटे बाद में जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो इस बर्फी को कंटेनर से बाहर निकालेंगे और इसके पीसेस कट कर लेंगे। ऊपर से आप चाहें तो थोड़े से पिस्ता के पीसेस गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं। तो लीजिए, टेस्टी हेल्दी नारियल की बर्फी बनकर के तैयार है। इसे आप ट्राई करें, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली बार, और तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।